बाय गॉड की कसम एकदम फुल टू फटाक कमर्शियल ब्रेक था। और अब मैं आपको बताऊंगा करण जौहर गुरु के गैंग के उन नए बच्चों के बारे में जिनको चांस पे डांस करने का मौका देते रहे अपने गुरु करण जौहर जी महाराज। और ये बाल गोपाल हैं गैंग के नए पौधे। करण जौहर ने दिया है कई न्यू कमर्स को ब्रेक और वो अब भी ऐसे कई लोगों को ब्रेक दे रहे हैं, चाहे वो चतुर चालाक सोहम शाह हो और निखिल अडवाणी जैसे दल बदलू हो या अयान मुखर्जी जैसे बुद्धू। इन सबको उनका फर्स्ट चांस दिया है करण जौहर ने। इसके अलावा भी कई नए पौधे हैं करण जौहर की नर्सरी में, जैसे तरुण मन सुखानी, दोस्ताना वाले, रेंजल डिसिल्वा, कुर्बान वाले, पुनीत मल्होत्रा, आई हेट लव स्टोरीज वाले, डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, वी आर फैमिली वाले। एक्टर्स के मामले में भी करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं ऐसे बाल कलाकारों को जिनके पप्पा लोग डायरेक्टर होने के बाद भी इन कच्चे बच्चे लोगों को करण जौहर की छत्र छाया में फलने फूलने भेज रहे हैं, जैसे डेविड धवन पुत्र वरुण धवन और महेश भट्ट पुत्री आलिया भट्ट को करण चांस दे रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। और इन दोनों के साथ फ्री है तीसरा डेब्यूटांट सिद्धार्थ मल्होत्रा। मतलब करण जौहर की नर्सरी में दो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, एक एक्टर एक डायरेक्टर, बोलो तुमको कौन सा चाहिए। और अपने इन नए पौधों के साथ करण जौहर रेडी है अपनी अगली चाल के लिए। करण जौहर के गैंग के सारे मेंबर्स अपनी अगली चालों में एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं प्यारों। जैसे करण जौहर SRK की रावण के सेट पर बराबर बने रहते थे और SRK करण जौहर मिलके को प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी। पाजी यही नहीं, करण जौहर के नए पौधे भी लगे हैं अपनी अपनी फिल्में बनाने में। मतलब कहने का यह बंधु कि इस गैंग में अपना पपलू फिट करने की सेटिंग लगा लो तो समझो हो गए तुम्हारे वारे न्यारे। लेकिन 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 कूदी मारने से पहले जरा मेरे को थैंक यू वाला लेटर तो भेजो भाई लोगों। मेरा एड्रेस है feedback@zoomtv.in। भूलियो मत, मैं चिट्ठी का वेट कर रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ बैठ के मुझे मत ताड़ियो, मैं चला अगले गैंग में एंट्री मारने के फॉर्मूले की तलाश में। हाँ जी, तो हम चलते हैं, तुम भी चलते बनो। ओके, बाय बाय, टाटा।